अभी हम आ गए हैं भीलवाड़ा के राधे कचोरी सेंटर पे। हाँ गुड मॉर्निंग सर्वाइवर फैमिली। तो आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 2 साल के बाद आज ये वाला प्लान बना है। आज हम चलेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्यों जा रहे हैं तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, सरप्राइज रहेगा। तो आइए मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए। मैं और मेरा फ्रेंड बाइक से जाते हैं। विजयनगर एंट्री होते ही बाड़ी माता जी का मंदिर आता है। विजयनगर से आगे ये है गुलाबपुरा का मेन गेट और इसी के आगे आती है RSWM की मील। गुलाबपुरा में ये एक टेक्सटाइल मिल है। वो कहते हैं ना, सफलता की चाबी जल्दी उठने में है, और अगर चाबी ना मिले तो फिर से जल्दी सो जाओ। लगभग 50% रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है, रायला तक हम पहुंच चुके हैं। तो हम भीलवाड़ा एंटर होने वाले हैं, होने ही वाले हैं, बस हो ही गए, आने ही वाले हैं, बस 5 मिनट। आज हम आए हरने महादेव। जय हो प्रभु। लेफ्ट साइड में मंदिर है। मैं कोई काफ़ी टाइम हो गया यार, आने का काफ़ी होना था पर हर बार कैंसिल हो जाता था, आखिरकार आ ही गया। यहाँ पर शूज़ खोल देते, काफ़ी चेंज हो गया है। पहले ये जो ऊपर का छपरा हुआ करता था वो नहीं था, फैन वगैरह लगा दिए है, खुला था पहले। काफ़ी टाइम हो चुका मुझे आए हुए, आखिरकार वापस आना हो गया। चलो अंदर दर्शन करते हम। ये नंदी महाराज है, शिव जी के सामने है नंदी महाराज। अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर अलाउ नहीं होता देखो आजकल कैमरा, मैं तो अंदर ही जा रहा हूँ और दर्शन करता हूँ। मैं अंदर दर्शन कर लिया, बाहर निकल गए हैं, अंदर के अलाउ ही नहीं होता अंदर जाने। सालों की मन्नत पूरी करना। एक और चीज़ बताता हूँ, ये मंदिर के उधर पीछे की साइड में एक और कुछ सीन है, तालाब जैसा ही कुछ समझ लो। और यहाँ पर अभी तालाब पानी है कि नहीं ये देखना है। है थोड़ा बहुत तालाब है, बारिश चल रही है तो तालाब तो है ही हल्का फुल्का। ये देखो बच्चे नहा रहे।
इसको गिरा देगा ये। ये गया, ये गया। है बढ़िया सीन है ना, अच्छा है ना। अब थोड़ी सी वो बंदिश है कर दी है दर्शन करने में, वरना और मजा आता सच में। तो ये मतलब मंदिर आने का प्लान तो मेरे 2 साल से चल रहा है, पर 2 साल का वक्त जो है आज मिला है मुझे। हर बार कुछ ना कुछ प्लान कैंसिल हो जाता था। मतलब कहते हैं ना, भगवान का जो बुलावा आता है जब ही अपन दर्शन कर पाते हैं। तो आज मेरा हरणी महादेव का जो प्लान था वो सक्सेस हुआ। और आगे भी वीडियो में बने रहिएगा, कुछ फ़ोटोज़ में अटैच करूँगा, उसको देखना आप। पानी भी अलग है, चंबल का आ गया ना। अब देखो आगे की जो साइड है ना, हरणी महादेव के सामने ज्योतिर्लिंग है शिव जी का। अंदर चल के भगवान के दर्शन करते हैं, एकदम शानदार। वो एंट्री गेट वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नामदेव डिजिटल स्टूडियो भी बना दिया। बहुत बहुत मतलब चेंजेस काफ़ी आया है। मैं अंदर शिव जी के दर्शन करता हूँ, ज्योतिर्लिंग। देखो ज्योतिर्लिंग पूरा नंदी महाराज। देखो ये इस टाइप का मंदिर है, मुझे बहुत सुंदर, अति सुंदर, अच्छा लगता है ये मंदिर। मुझे करीबन 2 या 3 साल हो गया था यहाँ पे आए हुए हुए। मतलब ये देखो, बीमारी के बाद मैं फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ हरणी महादेव। काफ़ी टाइम हो गया था। और ये वाला व्लॉग मैं शायद इधर ही एंड करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ में अटैच करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय सर्वाइवर फैमिली। राधे कचौरी, राधे कचौरी नमकीन, यहाँ पर आया हूँ। लेते हैं कचौरी, खाते हैं यहाँ के बेस्ट।